पीटीआई की कल एहतजाज की कॉल, पंजाब भर में दो दिन के लिए दफा 144 नाफिज, पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलूस और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक 18 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक होगा। महकमा दाखिला ने दफा 144 के निफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफा 144 के निफाज का फैसला अमनो अमान के कयाम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ्फुज़ के लिए किया गया। पंजाब के तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज कल बंद होंगी। महकमा हायर एजुकेशन ने छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हमारी स्ट्रेटजी तो बड़ी क्लियर है हमेशा की तरह कि जो कोई वायलेंस करेगा या करने की कोशिश करेगा उसको हम उसके खिलाफ भरपूर एक्शन लेंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट हर बंदे का राइट है, लेकिन जो उसको ट्रांसग्रेस करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। निजी कॉलेज कैंपस के वाक़े बारे कोई सबूत है तो लाएं, एक्शन लेंगे। जो भी इस वाक़े में मुलव्विस होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इस केस के बारे में कोई बात या हकीकत सामने नहीं आई। CCPO बिलाल सदी कमियाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पुरअमन एहतजाज करने पर पाबंदी नहीं, इमलाक को नुकसान पहुंचाना गलत है। आला सतह की बुनियाद बनाई गई कमेटी ने भी इसको बेबुनियाद करार दिया। अमन खराब करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। वायलेंस करने वाले कुछ तालिब इल्मों को मौका पर वार्निंग देकर छोड़ दिया। हम हक और सच पर हैं, तहकीकाती इदारों ने शफाफ इंक्वायरी की, हमारे खिलाफ एक प्रोपोगेंडा किया गया, एहतजाज से हमारे इदारे और मुल्क को नुकसान हुआ। प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज गर्ल्स कैंपस 10 की तालिबात के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, तालिबा ईमान यूसुफ ने कहा कि बगैर तहकीक वीडियो अपलोड करने पर शर्मिंदा हूँ, मैंने बगैर तहकीक के व्लॉग बनाया। क्लास फेलो समेत दीगर ने कहा वीडियो बनाओ। सोशल मीडिया पर मन घड़त खबर का मामला, तुलबा और शरपसंद अनासर ने तोड़ फोड़ करते हुए 6 सरकारी मोटरसाइकिलें जला दी। लाहौर पुलिस ने नामजद 24 मुलजिमान को पकड़ लिया। 200 से 250 नामालूम शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा थाना हरबंसपुरा में सब इंस्पेक्टर उस्मान अकबर की मुदय्यत में दर्ज किया गया। तालीमी इदारों में हालिया वाकयात से मुतल्लिक तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत, हाईकोर्ट ने IG पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब कर लिया। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार भी तलब, इस बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी, चाहे इसके साथ वाकया हुआ या नहीं। IG पंजाब बताएं कि ऐसी वीडियोस और तस्वीर फैलने के बाद पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। एक कॉलेज का वाकया है, देखिए ये इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं इसमें पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं करूंगा। इन इंस्टीट्यूशंस को आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो चाहे सरकारी इंस्टीट्यूशन हो, आप उसको अपनी सियासत की नज़र लेके जा रहे हैं। सरकारी तालीमी इदारे हो या प्राइवेट, इन्हें सियासत की तरफ नहीं जाना चाहिए। पुलिस की मिसहैंडलिंग की वजह से मामूलात खराब हुए। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बच्चन ने कहा कि कोई भी तालीमी इदारा नहीं चाहता कि वहाँ पर ऐसा कोई काम हो। हम किसी बच्चे को नहीं कहेंगे कि कानून अपने हाथ में ले। यहाँ तक आप ये देख लें कि सिर्फ एक जमात है जो हर चीज़ को एक्सप्लॉयट करती है। आज अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है कि पाकिस्तान दोबारा से जो है वो ट्रैक पे, हमारी इकॉनमी आ गई है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। आपकी इन्फ्लेशन जो पिछले 3 साल से 30% से ऊपर खड़ी थी, आज अल्लाह के फजल से सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन आ गई है। वही शख्स जो जेल में, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो जो वो साहब थे, तो जब उनको गवर्नमेंट मिली तो उन्होंने 6 महीने में जो है वो इन्फ्लेशन को कहाँ ले गए थे 20% से ऊपर, और उनके दौर में महंगाई की शरह 40% से ऊपर चली गई थी। ऑपोजिशन को समझना चाहिए बेहतर मईशत के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। नवाज शरीफ दौर में महंगाई की शरह इंतहाई कम थी। जेल में बैठे शख्स की हुकूमत आई तो महंगाई 40% तक पहुँच गई। शहबाज शरीफ आए तो मईशत तबाही के दहाने पर थी। सूबाई वजीर मुश्तबा शुजाउर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले KPCK से सरकारी लोग लाकर चढ़ाई की जाती है, दो दफ़ा आवाम ने एहतजाज मुस्तरद किया है, तीसरी मरतबा एहतजाज के लिए आए तो भी सख्ती से निपटा जाएगा।
सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से भारतीय सहाफियों के वफद की मुलाकात। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी मुलाकात में शिरकत। भारतीय सहाफी शंघाई तावुन तंजीम के सरबराही इजलास की कवरेज के सिलसिले में पाकिस्तान आए हैं। मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा तो मुल्क मईशी तरक्की की तरफ गामजन होगी। आईनी तरमीम के हवाले से काफी हद तक इख्तलाफ राय हो चुका। बतौर इत्तेहादी पूरी कोशिश है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। मुल्की हालात किसी भी इंतशार का मुतमिल नहीं हो सकते। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से सीनियर सहाफियों की गैर रस्मी मुलाकात। मजीद माहदे मनसूख हों तो बिजली 10 रुपये फी यूनिट मजीद सस्ती होगी। तमाम अखराजात के साथ बिजली नर्ख 26 रुपये फी यूनिट से जायद नहीं होना चाहिए। बिजली सस्ती और शरा सूद कम की जाए तो बंद इंडस्ट्री चल सकती है। 2025 हमारी मईशत की बेहतरी का साल है। पैटर्न इन चीफ FPCCI SM तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। FPCCI रीजनल चेयरमैन जकी एजाज ने कहा कि बैंकों की शरा सूद को कम किया जाए। टैक्स अहदाफ के लिए पकड़ धकड़ कबूल नहीं। IPPs माहदों पर नजरसानी अच्छा इकदाम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तुलबा के लिए अहम इकदाम। पंजाब में 130 अरब रुपये के होनहार स्कॉलरशिप की रजिस्ट्रेशन शुरू। जामियात में इंफॉर्मेशन डेस्क कायम। 50 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के तुलबा स्कॉलरशिप हासिल कर सकेंगे। अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के तहत 4 से 5 साल तक स्कॉलरशिप मुहैया की जाएगी। कॉलेजेस में आर्जी असातिज़ा की भर्ती का मामला मुसलसल इल्तिवा का शिकार। तवक्को से ज्यादा दरख्वास्तें, प्रिंसिपल्स की सुस्ती और उम्मीदवारों की गफलत से ताहाल सक्रूटनी ही मुकम्मल न हो सकी। 7,350 सीटों के लिए 2 लाख के करीब दरख्वास्तें वसूल। दरख्वास्तों में क्वाइफ गलत लिखने की वजह से सक्रूटनी में मुश्किलात का सामना। सक्रूटनी के लिए मुतद्दिद प्रिंसिपल कंप्यूटर स्किल से भी नाबलग। महकमा हायर एजुकेशन के मुताबिक 1 नवंबर तक असातिज़ा की भर्ती हो जाएगी। हजारों पेंशनर्स की सुनी गई। ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट ने पुराने रूल्स के मुताबिक वर्कर्स की पेंशन्स बहाल कर दी। रिटायर्ड वर्कर्स को अब 10,000 की पेंशन मिलेगी। साबिका चेयरमैन ने जाते जाते रूल्स में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक कम कंट्रीब्यूशन जमा करवाने वाले इदारे के पेंशनर्स की पेंशन में बड़ा कट लगा दिया गया था। चंद इदारों के अलावा बाकी तमाम पेंशनर्स को पूरी पेंशन दी जाएगी। नए आरसी चेयरमैन ने वर्कर्स को यकीन दहानी करवा दी। हायर एजुकेशन कमीशन का कॉलेजेस में इस्लामी स्कॉलर्स भर्ती करने का फैसला। इस्लामी स्कॉलर्स को बतौर हेड सीरत चेयर्स भर्ती किया जाएगा। इस्लामी स्कॉलर्स की लीडरशिप एंड गवर्नेंस, ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर में भर्ती की जाएगी। PhD स्कॉलर्स 21 अक्टूबर तक अपनी दरख्वास्तें HEC को जमा करवा सकते हैं। बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर प्रोजेक्ट फाइलों में दब गया। मंसूबे के इफ्तिताह के बाद फेज 2 पर पुरेसरार खामोशी छा गई। पंजाब हुकूमत के RC एक्वायर किए गए सेक्शन 4 के नफाज के बाद कोई पेशरफ न हो सकी। LDA की बंद रोड प्रोजेक्ट से मुतल्लिक भेजी गई समरी पर पंजाब हुकूमत ने कोई रिस्पांस न दिया। सूबाई वजीर सनअत व तजारत चौधरी शाफे हुसैन का इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स बनाने वाली फैक्ट्री का दौरा। इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स की तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल का मुशाहिदा किया। सूबाई वजीर को फैक्ट्री इंतजामिया की इलेक्ट्रिक बाइक की खसूसियात बारे ब्रीफिंग। चौधरी शाफे बोले, हुकूमत माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फरोग दे रही है। तुलबा को इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स की फराहमी के लिए ZEP टेक्नोलॉजीज फैक्ट्री से मुआहिदा किया जा सकता है। लेस्को रीजन में हजारों खराब मीटर्स तब्दील ना हो सके। खराब मीटर्स होने पर सार्फीन से जायद बिल की वसूली जारी। लेस्को में खराब सिंगल और 3 फेज मीटर्स की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। लेस्को के पास सिंगल फेज मीटर्स की शदीद कमी। मीटर्स ना होने के बायस न्यू कनेक्शंस भी ताखीर का शिकार। सार्फीन खराब मीटर्स की तब्दीली और न्यू कनेक्शंस के हसूल के लिए लेस्को दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर।